काला जादू और टोना टोटका आदि नाम सुनकर आपको भले ही अजीब लगता होगा, लेकिन कई लोग इसे तरक्की या अपनी वृद्धि का जरिया मानते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो इससे काफी ज्यादा डरते भी हैं। इसकी वजह से कई बार हत्या जैसी घटनाएं होने की खबर भी आती है। भारत के कई ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये समस्याओं में से एक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही होता है, बल्कि अन्य देशों में भी इसका काफी प्रभाव है। कई देशों में लोग काला जादू को उन्नति में अहम मानते हैं और रूढ़िवादी परंपराओं की वजह से भी ये प्रैक्टिस में है। भले ही काला जादू या टोने टोटके करने का तरीका अलग हो, लेकिन कई देशों में ये ज्यादा प्रभावी माना जाता है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि काला जादू होता क्या है और भारत के अलावा किन किन देशों में इसका प्रभाव है और वहाँ इस प्रकार से लोग काला जादू आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है काला जादू। वैसे तो काला जादू को लेकर अलग अलग मान्यताएं और धारणाएं हैं। हर किसी का अलग अलग मानना है और अपनी अपनी परिभाषा है। कोई इसे ऊर्जा से जोड़ता है तो कई मनोविज्ञान से। लेकिन अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये तंत्र के अधीन आता है, जिसमें आप किसी दूसरे चीज की मदद लेकर या कुछ बदलाव करके कुछ पाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि मंत्र में आप अपने आप में चेंजेस करते हैं। इसमें कई नकारात्मक सामानों का इस्तेमाल करके नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करके अपना हित साधने की कोशिश की जाती है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं है। कई बाबा आदि इसमें बाल, खोपड़ी, हड्डी, कंकाल, कपड़े, पक्षी, सांप और गुड़िया आदि का इस्तेमाल करते हैं और कई बार काले जादू में डूबे व्यक्ति की हत्या करने को भी उतारू हो जाते हैं। भारत में असम और पश्चिम बंगाल में इसका ज्यादा प्रभाव है और कई स्थानों पर इससे जुड़ी एक्टिविटी की जाती है। कहा जाता है कि इसके जरिए सिर्फ आप अपने ऊपर ही ये उपाय नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी इसमें शामिल करते हैं और उस पर कोई गलत प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है। तो अब बात करते हैं अफ्रीका में प्रचलित काला जादू के बारे में। कई अफ्रीकी देशों में काला जादू का प्रभाव इतना है कि वहाँ सैकड़ों लोग इसकी बलि चढ़ जाते हैं। वहाँ से अक्सर खबरें आती हैं कि काला जादू के वजह से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोगों पर इसकी वजह से हमला हुआ है। 27 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में इसका प्रभाव है और तंजानिया में सबसे ज्यादा इसमें लोग लगे हुए हैं। अफ्रीका में इस तरह के जादू को मूर्ति किलिंग, जुजू, वुडू आदि नामों से जाना जाता है। इनकी रिचुअल्स में जानवर के शरीर के हिस्से या तो इंसानी शरीर के हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए जानते हैं जर्मनी के काले जादू के बारे में। आप जान लें कि जर्मनी में भी काला जादू का काफी इस्तेमाल होता है। लोग निरंतर रूप से यहाँ जाते हैं और काला जादू से जुड़ी क्रियाएं करते हैं और इसके लिए अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं। कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, जो इसे अपना पेशा मानती हैं और इसके जरिए लोगों को हेल्प करने का दावा भी करते हैं। काला जादू भारत, अफ्रीकी देश, जर्मनी के अलावा चिली, फिलीपींस, यूके, मेक्सिको, रोमानिया में भी इसका असर काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी काला जादू से जुड़ी कई घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, ये दुनिया गणित के ऊपर चलती है और इसी वजह से हर काम का अंजाम होता है, या फिर यूं कहें, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्म का फल हर किसी को अवश्य भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। काले जादू से आप 4 दिन की नकली चांदनी तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर अमावस की काली रात आपकी तकदीर बन जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।